हमारे देश के आधे से ज्यादा फार्मर्स लॉस में जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, ये हमारी खुद की लापरवाही की वजह से होता है। हम मछलियों को खाना खिलाते हैं, खाना खा के वो गंदगी करती है, दिन हफ्ते महीने गुजरने लगते हैं और ये गंदगी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब पानी का ट्रीटमेंट तो हम करते नहीं, कभी कंजूसी की वजह से, कभी नॉलेज की कमी की वजह से, तो कभी बस लापरवाही की वजह से। अब वजह चाहे कुछ भी हो, गंदे पानी की वजह से मछलियों को इन्फेक्शन हो जाता है और नुकसान भी हमारा खुद का ही होता है, क्योंकि हमारी ही मछलियाँ मरती है। बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, तो आज मैं आपको इसका सलूशन बिल्कुल प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। पर सलूशन बताने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मछलियाँ मरने से पहले वाटर ट्रीटमेंट कर दो ताकि वो बीमार ना हो और मरे नहीं और हमें नुकसान ना हो। बैक टू बैक 3 से 4 वीडियोस डालने वाला हूँ, जिसमें एक एक करके पूरा कोर्स बताने वाला हूँ। अगर आप टाइम टू टाइम हर 15 दिन में ये कोर्स करोगे तो मेरा चैलेंज है, आपकी मछलियाँ कभी नहीं मरेगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीफ्रेश के बारे में बताया था कि अगर आपके पास कोई भी दवा ना हो तो सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पे आप ऑक्सीफ्रेश डाल दो। अब इस बीमारी का ट्रीटमेंट मैं आपको 3 पार्ट्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में ख़त्म नहीं होती, कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं सब कुछ सही होने में। तो चलिए फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि आपको पहले दिन पे क्या करना है। ये फीड वाले का पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट है। जब मछलियाँ बीमार होती है, रेड डिजीज हो जाए या कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए मछलियों को, तो ऐसे में ये काम आता है। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल होता है। एक एकड़ के हिसाब से आपको 1 लीटर यूज़ करना होता है। अब करना क्या होता है कि एक ड्रम में या पानी ले लीजिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक ड्रम लिया, या फिर आप एक बकेट ले सकते हो और उस बकेट में आपको पानी लेना है। आप उसमें तालाब का पानी भी ले सकते हो या फिर फ्रेश वाटर भी ले सकते हो कहीं से, बोरवेल वगैरह अगर आपके पास हो तो। उसमें आपको कुछ नहीं करना हो तो बस इसको खोलना है, और 1 एकड़ का अगर तालाब है तो 1 लीटर आपको मिलाना है, और अगर आधे एकड़ का तालाब है तो आपको आधा लीटर इसमें से मिलाना है। उस हिसाब से आप प्लस माइनस या डिवाइड कर सकते हो, सॉरी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको बस इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसको आपको पॉन्ड में चारों तरफ स्प्रेड कर देना है। जब भी आप पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट डालते हो ना, तो उस दिन आपको खाना नहीं देना है। आप बाकी कोई प्रोडक्ट अगर डालते हो दवा वगैरह के तौर पे, तो उस टाइम आपको सबसे पहले ये मालूम करना है कि उस टाइम आपको खाना देना है या नहीं देना। जब आप पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट डालते हो तो उस दिन 24 घंटे के लिए आपको खाना बंद रखना है। कोई भी किस्म का खाना आपको उस दिन नहीं देना है। डालो मिक्स कर दो, उसको अच्छे से खोल दो, उसको घोल के ना तालाब में चारों तरफ डाल देना। थोड़ा सा पानी और लेके डाल देना, तालाब में उसको चारों तरफ गोल गोल घूम के डालना। अच्छा, ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जब इन्फेक्शन आएगा तभी आपको इसको डालना है। जब इन्फेक्शन नहीं होता ना, तो भी आप उसको 15-15 दिन में यूज़ करना चाहिए इसको, क्योंकि 15-15 दिन में इसको यूज़ करने से फिर इन्फेक्शन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो बीमारियां होती है वो नहीं आती और मछलियां मरने से बच जाती है, और हमारा नुकसान जो होना होता है वो नुकसान होने से हम लोग बच जाते हैं। इसको 15-15 दिन में आप रिपीट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कभी बीमारी आए तो आप मुझे उसका फ़ोटो या वीडियो भेजिए मछली का और पानी का, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम का सही ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट बताने में कभी कभी टाइम लग जाता है, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हो। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि तालाब में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको चारों तरफ घूम घूम के स्प्रेड कर देना है। थोड़ा यहाँ से अभी इसने स्टार्ट करके वहाँ से जाके ऐसा चारों तरफ उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा।